नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाळ रे आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा जणेबा सहित शुभ अभिनंदन मध्य जणाउछि। दर्शक बंधु, आमर हिंदू ज्योतिष शास्त्र रे राहु को पापी ग्रह बोली कहा जाय थाए। मिथुन राशि रे एहा उच्च स्थान रे रही थाए एवं धनु राशि रे एहा नीच स्थान रे रही थाए। राहु ग्रह को नष्टकारी ग्रह बोली कहा जाय थाए, किंतु एमिती नुहे जे ए सबु बेले आमको खराब फल देय थाए। जदि आपण मानकर जातक रे एहार स्थिति मजबूत रहिछि तेबे एहा भल फल मध्य देथाय। वर्तमान राहु मेष राशि रे गोचर करुछंती, जेउंठारे एहा 2023 पर्यंत रहिबो। तेबे हिंदू ज्योतिष शास्त्र रे राहु को पापी ग्रह बोली कहा जाय थाए। मनुष्यर मस्तिष्क रे राहु भलमंद विचारधारार जन्म देथाय। तेबे आसंत आज आमे जानिबा राहु को मजबूत करिबा पई आमर ज्योतिष शास्त्र रे केउं सबु उपाय विषय रे कहा जाय छि। रूपा पैसा सबुबले आपण माने निज पाखरे रखंतु, गंगा जल पानी रे पकई सबुदिने स्नान करंतु, कला कुकुरर सेवा करंतु एवं एहाकु सबुदिने खाइबाकु मध्य दियंतु। मांस माछ एवं मद इत्यादि मादक पदार्थ जमा भी सेवन करंतु नहीं। असुविधा रे थिबा लोकमानकु सहाय्य सहयोग करंतु। लुहर छल्ला किंबा कड़ाटी आपण माने पिंधंतु। प्रतिदिन सकाळे चंदनर तिलक लगांतु। राहु को मजबूत करिबा पई घरर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम कांथरे मयूर पुच्छटिए लगांतु। कला कुकुर को मीठा रुटी खाइबाकु दियंतु। राहु को मजबूत करिबा पई आपण माने रत्न मध्य धारण करिपरिबे। तेबे रत्न शास्त्र अनुसार गोमेद रत्न राहुर खराब प्रभाव को दूर करिबारे सहायक होइथाय। एहा व्यतीत लाजवर्त रत्न मध्य राहु पई शुभ मना जाय थाए। एही रत्न गाढ़ नील रंगर होइथाय एवं एहार भीतर हल्का नील रंगर धार देखा दे थाए। एही रत्न को धारण करने द्वारा केवल राहु नुह बरं शनि एवं केतु ग्रह मध्य मजबूत होइथांती। तेरे दर्शक बंधु, एबे आपण माने बुझी पारिथिबे राहु ग्रहर महत्व आम जीवन रे कौन रही, आमे राहु ग्रह को किभली भावरे मजबूत करिपरिबा जहाद्वारा आमर जीवन सुख शांति अतिवाहित हेबो। एही छोट छोट प्रतिकार को आपण माने निजर जीवन रे अवलंबन करंतु, एहाकु आपणै नियंतु। आपण मानकर जीवन सुखमय हेबो, मंगलमय हेबो। एही सुंदर चिंताधारा सहित आसंत आरंभ करिबा आजिर दिन। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।